आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति बेहद खास साबित हो सकती है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया है कि नई शिक्षा नीति के जरिए रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। इससे देश के आत्मविश्वास में इजाफा होगा, जो आखिरकार आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने की वजह बनेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वास का होना भी जरूरी है। इस आत्मविश्वास को लाने का काम शिक्षा के भरोसे हासिल किया जा सकता है। इसी से देश को तरक्की मिलेगी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकेगा। इस नई सोच को साकार करने का काम केवल नई एजुकेशन पॉलिसी कर सकती है। इसके लिए पीएम मोदी ने साफ कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने की रफ्तार को बढ़ाने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देश में रिसर्च एंड एजुकेशन सेक्टर को एक साथ जोड़कर देश आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ा सकता है। पीएम का मानना है कि एजुकेशन सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरपूर मौके मौजूद हैं और इसके लिए ग्लोबल डिमांड के मुताबिक स्किल तैयार करने की जरूरत है। आज भारत के टैलेंट की पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है। इसके लिए जरूरी है कि ग्लोबल डिमांड को देखते हुए स्किल सेट्स की मैपिंग हो और उसके आधार पर देश में युवाओं को तैयार किया जाए। इंटरनेशनल कैंपसेस को भारत में लाने की बात हो या फिर दूसरे देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को कोलैबोरेशन के साथ अडॉप्ट करना हो, इसके लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। पीएम का मानना है कि इस लक्ष्य को जल्द हासिल करने के लिए प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में कंटेंट को तैयार करना होगा। उनका कहना है कि केवल भाषा के चलते गरीब के टैलेंट को मरने नहीं देना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस युग में ये पूरी तरह से संभव है। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में एक बेहतरीन कंटेंट देश के युवाओं को मिले, ये हमें सुनिश्चित करना है। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो, ऐसी हर एक्सपर्टाइज के लिए भारतीय भाषाओं में कंटेंट का निर्माण करना जरूरी है। जानकारों का भी मानना है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन भाषाई अड़चनों के चलते अक्सर प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। हमारी जो मूल भाषा है, अगर उसी में विषयों का अनुसरण बच्चों को कराया जाएगा तो उनमें ज्ञान का समावेश बहुत सुंदरता से हो सकता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये साइंस भी कहती है, जो कि हमारे बच्चे आज पूरे विश्व में तेज दिमाग के लिए, तेज आईक्यू के लिए जाने जाते हैं। अगर हमने ये कर दिया कि हम हमारी मूल भाषाओं में अलग अलग विषयों का अनुसरण उनको करा सके, तो जो ये डिफरेंस है, जो कि ये अंतर है दूसरे देश के बच्चों में और हमारे बच्चों में, ये अंतर और बढ़ जाएगा। यही वजह है कि अब अक्सर उच्च संस्थानों में रिसर्च पर फोकस करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर भी सरकार ध्यान दे रही है। इसके लिए देश में 3 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं। अब इसी साल में 1 दर्जन संस्थानों में ऐसे ही सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में 19वीं सदी की सोच को पीछे छोड़ना होगा। जानकारों का ये भी दावा है कि एजुकेशन सिस्टम की खामियों को दूर करने के साथ साथ स्टार्टअप जैसी नई योजनाओं को बढ़ावा देने से देश की तरक्की की रफ्तार तेज हो सकती है। हमारे देश में जितनी स्किलफुल लेबर है और जितनी सोच है, उसको अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें रिसर्च स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर रिसर्च को बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा नीति में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी, स्पेशल रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी, तो ये जो फोकस है रिसर्च के ऊपर, ये बहुत अच्छा है, हम इसका सब स्वागत करते हैं। इसके अलावा देश के युवाओं को इंडस्ट्री के लिए तैयार करने के साथ साथ नई चुनौतियों, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किल अपग्रेडेशन करने के प्रभावी मैकेनिज्म के बारे में भी एक संगठित प्रयास की जरूरत है। मोदी के मुताबिक बीते सालों में शिक्षा को रोजगार की क्षमता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस साल के बजट में भी स्वास्थ्य के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो है एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बिज तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।